एग्ज़िट हो गया हूँ, अब ये मैं जा रहा हूँ अफगानिस्तान की तरफ से। पाकिस्तानी करेंसी चेक करें, 1,52,000 से मुझे कितना पड़ रहा है, 38,900। बहुत काउंट करते हैं, 1,200 पैसे एक रुपये भी नहीं देगी तो मेरे मेहमान है ना, बस आप पैसे बच गए, शुक्र है। अफगानी का मोबाइल चार्ज करते हैं और 40 रुपये पाकिस्तानी कुछ बनता है। क्या बात है, क्या बात है। बताओ अफगानिस्तान में लोगों को उर्दू आती है कि नहीं? ये क्यों नहीं आते, सब आते हैं, वो पाकिस्तान भी विदेश है इधर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, पेशावर में इस वक्त मौजूद हूँ और सुबह के तकरीबन 5:30 बजे मैं उठूँ, फ्रेश होकर नहा धो के अभी यहाँ से मैं जाऊँगा सुबह, पहले नाश्ता करूँगा, नाश्ता करके इंशाल्लाह फिर यहाँ से मैं पहले पहुँचूँगा ना लोकल सवारी लेके कारखानों बाजार, कारखानों से फिर आगे मस्जिदुर्रहम के लिए जाएँगे। अरे जी, तो जिस तरह से आप कारखाने में पहुँचते हैं, कारखाने में तुर्रहम का अड्डा है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट भी होती है, इसके अलावा 2D कार्स भी हैं, ये करोला जो गाड़ियाँ हैं जिसमें मैं बैठा हूँ। तो आपने देखना है यहाँ पे जिस गाड़ी में पहले से 2-3 सवारियाँ बैठी होंगी तो उसमें ही बैठना है, क्योंकि अभी आपको हर तरीके से ट्रैप करेंगे, जिस तरह से मैं इनके चाल में फंस गया हूँ। इन्होंने बोला कि जब आप बैठें बस फ़ौरन निकलने वाले हैं, एक्चुअली ये निकलने वाले नहीं है, 2-3 सवारियाँ और बिठाएंगे फिर जाके आगे निकलेंगे। 500 रुपये ये चार्ज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से फ्लाइंग कोच और दूसरी चीज़ें यहाँ से जो चार्ज करेंगे वो इसे कम चार्ज करेंगे, लेकिन 2D कार जो है ना आपको फ़ौरन जल्दी पहुँचा देगी। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से यहाँ से ड्राइवर साहब बता रहे थे कि 45 मिनट लगते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 1 घंटा लग जाएगा दुर्रहम बॉर्डर तक। अच्छा जी, यहाँ पे दुर्रहम बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं, एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा किस्म का रश है, तो सबसे पहले करेंसी चेंज करने आए हुए इन भाई साहब के। जी यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो कैश है 1.5 लाख तकरीबन कैश था, उस कैश को चेंज करेंगे। रेट बहुत कम लग रहा है लेकिन चूँकि रश बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे एक भाई साहब मिल गए हैं, खुदा वाले रो रहा है। 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है, बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, इस हिसाब से तो मुझे लगता है 3-4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब पहले ज़रा करेंसी चेंज करवाते हैं, देखते हैं करेंसी का क्या बनता है। 1,52,000 दासी बराली 38,700 रहिए ये वट पेट मान लीजिए। अभी बच गए शुक्र है, वरना में पूरे 2-3 हज़ार का डज लग जाता है यहाँ पे। ये देखें करेंसी का चेंज, देखें कि इतने बड़े नोट मैंने पाकिस्तानी करेंसी की दे दी हैं, सर मुझे पता नहीं कितने हैं, मतलब पाकिस्तानी करेंसी चेक करें, 1,52,000 से मुझे कितना पड़ रहा है, 38,900। एक ज़माना था कि पाकिस्तानी करेंसी हम 100 में देते थे, उधर इतने सारे नोट्स आ जाते थे, और अब ज़माना चेक करें कि अब अफगानिस्तानी करेंसी जो है ना महंगी हो गई है। जी तो एक्चुअली सिस्टम ये शुरू हो चुका है कि अफगानियों को यहाँ पाकिस्तान से जब निकल रहे हैं इस वजह से बहुत ज़्यादा रश है, एक्सट्रीम लेवल का रश है। तो मैंने जुगाड़ चलाया, वहाँ पर बंदे को थोड़े बहुत पैसे दे दिए हैं, जिसकी वजह से मैं जल्दी निकल आया हूँ, एग्ज़िट हो गया हूँ, अब ये मैं जा रहा हूँ अफगानिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से मैंने एग्ज़िट कर लिया, स्टैंप लग चुका है मेरा और अब एग्ज़िट हो रही है। तो ये है तुर्रहम बॉर्डर सर, 100 पैसे होगा। जिस तरह से आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपके ये इशू ज़्यादा होते हैं, ये इशू आपको जिस तरह से
यहाँ भी ड्राइवर हजरात आपको मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा किस्म के। ये आपस में लड़ चुके हैं, आपस में ये डील कर रहे हैं। अब मुझे ये भाई मिल गए हैं यहाँ पे आए हुए। अब ये हम दोनों साथ में रोश करने जा रहे हैं, वहाँ का जो फेमस रोश है। अब ड्राइवर के साथ बेस्ट चल रही है, कौन सा ड्राइवर कितने में लेके जाएगा। साढ़े 500 तक आ गए हैं दोनों। चलो फाइनली ये डील बन चुकी है। आपका नाम क्या है भाई? माय नेम इज जलील। जलील जलील भाई हमें मेडिकल कॉलेज इन लाहौर। ओके, तो जलील भाई हमें यहाँ पे मिल गए क्योंकि एक्चुअली मैं नया हूँ यहाँ पे। तो जलील भैया के ड्राइवर भी नौशेर रहने वाला है। ड्राइवर भी किधर का रहने वाला है? नौशेर रहने वाला। क्या बात है, फिर तो ये 800 की जगह 700 रुपये लेगा। डन, बस बात ठीक है। एक रुपये भी नहीं देगी तो मेरे मेहमान है ना। बस आप पैसे बच गए, शुक्र है। सारे पैसे बच गए, यही चलो मजे उड़ाओ भाई। अब आगे क्या किधर जाएंगे? रोश खाने जाएंगे। हाँ जी, रोश खाने चाहिए। फेमस रोश इन मार्को, शनिवार रोश जो है ना यहाँ का फेमस रोश है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं किधर, ये तुरखम बॉर्डर है अफगानिस्तान साइड पे। तो देखिए करेंसी एक्सचेंज वाले सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, वहीं पे पकौड़े चल रहे हैं। ड्राइवर का नाम क्या है? मेरा नाम मिस्टर फौजी। जालिम मिस्टर फौजी, ये तो बड़ा ख़तरनाक नाम है इस बंदे का। चलो जी, तो गाड़ी उधर अंदर से ड्राइवर ले आएगा, हम यहाँ पे खड़े हैं। ये लोकल शॉप है अफगानिस्तान में, देखें डिफरेंट किस्म की चीज़ें। ये तो हमें वहाँ पे मिल जाते हैं मरिंडा, इसकी बोतल चेंज है इसके। बाकी कुछ नई ड्रिंक्स नज़र आ रही हैं, कमांडो। वाह, यहाँ पे कमांडो की ड्रिंक्स भी मिलती हैं। परचेज इज़ नॉट गुड। ओके, जलील भाई बता रहे हैं कि परचेज इज़ नॉट गुड। अच्छा, ये सारी चीज़ें नहीं मुझे नकली हैं, ये पता नहीं क्या नज़र आ रहा है। चेरी ड्रिंक, अच्छा वाह, ज़बरदस्त किस्म की ड्रिंक है यार। पैकिंग चेक करें इसके। वाह, ये देखें, ये मोबाइल चार्जिंग के लिए वाला था, मोबाइल चार्ज के 100 पैसे रख लेते। मोबाइल चार्जिंग लस अफगाने मतलब 100 रुपये पाकिस्तानी जुड़ेगी। अच्छा, मतलब 10 रुपये अफगानी का मोबाइल चार्ज करते हैं और 40 रुपये पाकिस्तानी कुछ बनता है। सिमुना खसरा निश्ते, सिमुना निश्ते, सिमुना में चरता मिलाएगी। हाँ हाँ, दफ्तर की पैदा की, सही था। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। ये दो वो बोतल उधरेगा जरा वाला, हम करेंसी में चेंज कर देता। दो वो ये बोतल माल हम रखा, पानी की एक बोतल उठा लेते हैं। बस वो दे 10 रुपये अफगाने। पंजूस रुपये वाला। हाँ, 10 रुपये की ये बोतल है अफगानी, यानी कि ये पाकिस्तानी 40 रुपये की पानी की बोतल, ठंडी ज़बरदस्त किस्म की। जलील भाई ने यहाँ पे करेंसी चेंज की और मेरे पास एक और गपला हो गया, और वो गपला ये हुआ कि मुझे 252 का रेट लग चुका है और यहाँ पे एक्चुअली 260 का रेट चल रहा है। मतलब 8 रुपये मुझे पाकिस्तानी और नुकसान भी हो गया। ये हमारी गाड़ी आ गई है और गाड़ी की जो ड्राइव है वो है ये मेरी बैग। जलील भाई, ये बैग मेरा पीछे अपने साथ, इसमें लैपटॉप है, ज़रा ख्याल के साथ रखिएगा। देखा ड्राइवर की गाड़ी, और यहाँ पे ड्राइव भी लेफ्ट हैंड है सारी। गाड़ी खड़ी है, रशा गाड़ी था। क्या बात है, देखो ये क्वेश्चन मुशन लगे हुए हैं साफ सुथरी। माने के क्वेश्चन को या पख्तो या इंग्लिश का? ओके 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 ओके, क्या बात है। अब हम निकल रहे हैं तोरखम से जलालाबाद की तरफ। बड़ी ज़बरदस्त किस्म एक्सपीरियंस रहा है मेरा, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लेकिन पहले इससे पहले रोश के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे रोश ट्राई करनी है। ये देखें बाजार लगा हुआ है, इतना ख़ास कोई डिफरेंस नहीं है जिस तरह के बाज़ार मुझे वज़ीरिस्तान में मैंने देखे थे, आलमोस्ट उसी तरह से ही। ये देखें साइड पर ये चीज़ें लगी हुई हैं। ये गाड़ियों के वो चेक करें, गाड़ियों की मार्केट आ चुकी है। जिस तरह पिशावर में शोभा बाज़ार है, देखें डिफरेंट सीट्स लगी हुई हैं, गाड़ियों की चीज़ें पड़ी हैं, कैमरे पड़े हैं गाड़ियों के, कंटेनर देखें, सारी गाड़ियों की मार्केट नज़र आ रही है।
यहाँ पे देखें रोड की ड्राइव भी, गाड़ी लेफ्ट हैंड है लेकिन रोड्स पे आपको जो है ना राइट हैंड पे ड्राइव करनी पड़ती है, हम लेफ्ट साइड पे ड्राइव करते हैं रोड पे, यहाँ पे जो है ना लेफ्ट साइड पे। अफगानिस्तान का लोग जो है बहुत अच्छा लोग है, मेहमान के लिए बहुत एहतराम करते हैं, मेहमान नवाजी भी करते हैं। हाँ देखो उस्ताद ने हमारी मेहमान नवाजी करते हुए हमसे पैसे नहीं ले रहा, किराया नहीं ले रहा, क्या बात है। देखे ऐसे मेहमान नवाज लोग होने चाहिए। उस्ताद आप लड़के को बजा रहा था दर्चे ही पड़ी का बारा ना मार पड़ी बन ये सब ने की मार रुमा पे इच्छे ने की और ने इतना सब बिगाड़ से खास दा सही दा बस ब्याह हो दे वाला चिड़ी रगड़ जोड़ दे वीर सिपत में होता है ताकड़े वे रोज तरागड़ दे हम दो वजीरिस्तान में मीडिया वाला दे چو تر اجازت ہم نے کی دادی خوری زبے اور تاچو زبے خدمت نن تارا وڑے سبا کی دے شمداسی بیا راشی ہوئے دل تمے پیرا کھوڑل ہے مگدوم رکھ خاری بو کچھ بیا بلوچ پخپل راش بس دا خبر ہے صحیح ہے صحیح ہے دل کچھ دا نہ ودرا او پاس بیکی رو کستا زرا مطلب ڈرائیور صاحب نے کو کہا بڑی ایکسٹرا ایکسٹرا چھوڑ دی ہیں بڑی تعریفیں کر دی ہیں اس وجہ سے میں نے کہا کہ اسپیشل چیز بنائیں گے اپ کے لیے ये गाड़ी जरा पार करते हैं फिर हरकू बाजार में ये शनिवार सारे रोश हैं एक दो तीन चार पाँच बहुत सारे शनिवार रोश हैं लेकिन ये ड्राइवर साहब का जो खास एक बंदा था जो उसका दोस्त था उसके पास अब आए स्पेशल ऑर्डर दे दिया है उन्होंने कहा कि भाई स्पेशल हम आपको तब तक खिलाएँगे जब तक ये गाते रहेंगे चलिए देखते हैं कि किधर बन रही है रोश ظالم شہ دے پہ کہ واچو لوکا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تم رکھ لے راضی خوڑ لو دادا میں ڈیر تعریف ہو رہے تھے خالی ڈیر سے پتہ نہ کہیں ڈیر راضی ڈیر الگ نہ افغانستان ہر سنگ نہ راضی نو کابل ہے رات ہر طرف نہ افغانستان نہ جائے پاکستان اپ دی بنواد کہتے ہیں کہ آ رہے ہیں یہاں پہ لوگ ان کو کھانے کے لیے دس از پٹر دیکھا نا ہاں یہ جو ہے نا اس کو پٹر دیکھا ہمارے پاکستان میں میرے خیال سے بولتے ہیں گوشت جو ہے نا چربی میں سو کر کے نا یہ سیخ پر بنائی جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں ساتھ ساتھ بنتا جا رہا ہے ہاں ہلکی جڑے گی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بن رہے ہیں السلام علیکم کئی والا سنگ ہے سچ جوڑے دے تو سو آئی پٹے دانے ہوتا بھائی ہاں ادا کو کھدا کدا کدا جگر دے جگر دے دا جگر اول پس کرو باندے پوکو ہاں یا دا غینا پھٹا غینا بعد پکے دا آواز دا واچ ہوئے صحیح ہے صحیح ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھیں پیٹ ساتھ ساتھ کٹ رہا ہے ہا مخی شے اے مشے خیر خیر سے جوڑے تا دا چ کباب دا شوپان کباب شوپان کباب شوپان کباب دوری ظالم شے دی باندے کڑے دا شوپان کباب شواری چوس یو سیخ پسو ورگه دا کیلو پشپک سو افغانی یو کیلو پشپک سو افغانی یو کیلو دا دا واخا دا چیخ کی خا دیر سو وای چوپانے کا باب پان کا باب سیخ کا باب پریتا پریتا درینو من لے پریتا 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 صحیح دا کڑے کیا چھوڑے واخا پلنگ تے کڑے منگا سرشتا دے کڑے مور چوجو کٹے تے ویرا تا وے ہے ہمڑا چ وی گورو کڑے اس پاس دا دے کڑائی والا تے وہ خیدا پہ کیسے جڑ کڑی دا کڑائی دا ہمارا سیم راہی مادی پر ہا ہا پیاز کڑائی ہوئی پیاز پیاز پہ کیا چولی دی ہاں پیاز کڑائی اچھا یہ پیاز ہی کڑائی ہے اس میں صرف پیاز بن جو ہے نا ڈلی ہوئی ہے وہ والا گوشت بھی ساتھ میں آیا ہوا ہے اور یہ ساتھ میں روز پٹے دانے جوڑے پراٹھا اور شاہ استاد پٹے دانے جوڑے یہ دخ میں اولی دلے دخ میں اولی دلے ہاں ہاں رازم 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 یہ لوگ سارے جو ہے نا کافی زبردست قسم کے لوگ ہیں کافی زبردست قسم کے ہاسپٹیبل اور بہت زبردست طریقے سے کوئی انوائٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ابھی ہماری چونکہ روش پہنچ چکی ہے اوپر وہ کہتے ہیں شیر آگے لے دے
हाँ ये देखिए जलील भाई बैठे हुए हैं, स्नेचर वाली, ये कवा आ गया हमारा। क्या बात है, क्या बात है, वाचो बके उस टाइप के ऐसे रोडी ने बाद ना वाचो ना ना देखो सब बस बके सब उस मजा उस ना पाने ने रोडी से रहते हां ये उधर खराब रहा। अच्छा एक और चीज जो कि मुझे अभी पता चली हुई है कि यहां पे अफगानिस्तान में हां खा जुड़ा हुआ हां डियर खा जवाना डियर खा फोटो से कावा देते ही सोर तो शिनवारी से कावा हां। अच्छा यहाँ पे एक और बात पता चली है वो ये है ना कि अफगान में जो है ना जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ में ना लोग कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं खाने के साथ, यहाँ पे जो है ना खाने के साथ साथ कावा चलता रहता है। अब हम साथ खाना खाते जाएंगे ये शिनवा वो जो है ना शिनवारी कावा, इसको कहते हैं शिनवारी जा कावा, ये साथ साथ चलता रहेगा। कोल्ड ड्रिंक लाची हाँ लाचान क्या चीज़ें एल 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 सही सही सही। चलो जी अब ज़रा कोल्ड ड्रिंक ट्राई करते हैं। ये देखें ये अफगानी नान ज़बरदस्त किस्म की और ये ज़बरदस्त किस्म की रोश ओहो गोश्त चेक करें ये रोश का, ये ट्राई मारते हैं ये मज़ा आ गया बहुत ज़बरदस्त। बहुत जगहों पर रोश खाई है, कोयटा में भी खाई है, पेशावर में भी खाई है, हर जगह में खाई है, लेकिन इस रोश का जायका ही कुछ अलग है। हमने तो एक चीज़ ट्राई नहीं की साथ में, क्या बात है, ग्रीन टी अलग मज़े की इनके बात है, ज़बरदस्त। ये देखिए ये हमारे सीख वाला गोश्त आ चुका है जिसके अंदर लीवर है जिगर, और जिगर के ये साइड जो है ना फेट है सारा, और ये सीख जो है ना इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। चर्बी का जो मज़ा आ रहा है ना इसमें जिगर के साथ मिक्स होकर बहुत ही आला बहुत ज़बरदस्त, ये चेक करें बहुत ज़बरदस्त, इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। ऑलराइट तो बहुत ही आला रोश था, रोश का तो मज़ा आ गया। अब ज़रा हाथ चाथ धोते हैं कि बहुत ज़्यादा हाथ वो हो चुके हैं। शादोगान पकेरा वाला कम ही पकेरा जी यार, देखो इंसानान दी तवा से और शादोगान हुए। ये देखो ये कह रहे हैं कि हमारे वाले बंदर जो है इनको भी ले आओ, अभी अच्छे खासे इंसान है और ये इनको बंदर कह रहे हैं। शेरगढ़ उस्ताद सुनम सर शराफत खान, देखिए ये शराफत भाई का जो है ना रोश स्पेशल। अब यहाँ पे आते हैं बहुत सारी दुकानें, शराफत भाई के पास ज़रूर आना है, शराफत भाई का जो रोश है ना ये ज़रूर ट्राई करना है। ओके शराफत भाई अल्लाह पावान। चले बैठते हैं, नहीं लेते बेटा ना ना लम जो पे सको ना ना गाखुनो के ना हम कहना। ये देखें पहुँचेंगे आधा घंटा, इतना करीब है ये तो फिर हम जलालाबाद के बहुत करीब है ना ना जिया बल चढ़ते हैं खर्च की खा। इंशाल्लाह पैसा मात करता है कि नहीं करता है? बस हम करता है, हम करता है, हम करता है जी। ये बताओ अफगानिस्तान में लोगों को उर्दू आती है कि नहीं? जी क्यों नहीं आते, सब आते हैं, वो पाकिस्तान भी विदेश है, इधर तकरीबन 36-38 साल इसने गुजारा है। अच्छा सबको उर्दू आता है? सबको उर्दू आते हैं, पश्तू भी आते हैं। सुना करिए थे फिट फाट, मुझे डर उर्दू बोलते हुए डर लगता है। नहीं कोई गल नहीं है, जलालाबाद शहर में तो पहुंच चुके हैं, यहाँ पे ज़रा सबसे पहले सिम परचेज करेंगे। इस ऑफिस में आ गए हैं, क्या ज़बरदस्त बिल्डिंग है, वेरी वेल कंस्ट्रक्शन, वाओ खूबसूरत सी जगह। ये देखिए खूबसूरत से नीचे पोस्टर लगे हुए हैं, ऊपर शीशा है,
यहाँ पे सबसे पहले सिम देखेंगे, सिम में चॉइसेस देखेंगे। दो तीन सिम हैं वो मुझे बता चुके हैं। यहाँ पे इंटरनेट एक्चुअली बहुत महंगा, अभी अंदर जाके पता चलेगा, लेकिन पहले सिम देखते हैं कि कौन सी हमें सूट करती है। बैड लक यही है कि सिम यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं पिछले 20 दिनों से, और जिस जगह पे मैंने खाना गया था मारकू, वो दोबारा उधर जाना पड़ेगा, वहीं से सिम मिल सकती हैं या फिर आगे जलालाबाद वो काबल की तरफ। तो काबल को मैंने एक हफ़्ते के बाद ही जाना है। उफ़, तो अभी तक के आया हूँ, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि फ़िलहाल मैं यहीं पे कहीं पे होटल ले लूँ, ज़रा सा रेस्ट कर लूँ, बैटरीज वगैरह चार्ज कर लूँ, दोबारा फिर मार्गों की तरफ चला जाऊँ।